आप बस बेफिक्र हो जाइए, काशी वाले गुरुजी हम सबको आशीर्वाद देंगे तो इस घर में जो भी तकलीफें हैं सब चली जाएंगी। हम उनसे कहेंगे कि वो हमारे घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते रहें। गायत्री, हम तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तुमने जिस तरह से इस कठिन समय में हमारा साथ दिया, हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कैसी बातें करती हैं आप? अरे आपने तो हमें पराया बना दिया। ये हमारा भी तो घर है, इसकी फिक्र करना हमारा भी फर्ज बनता है भाभी। अब गुरुजी के आने का वक्त हो गया है, तैयारी कर लेते हैं। पता है भाभी, बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, इनकी जबान से जो शब्द निकल गए ना वो हो ही जाता है। बुआ जी, हर बात पूरी होती है। अरे विद्या बेटे, खाना तैयार हो गया है? जी बुआ जी, हमने बना लिया है। भाभी, हमें सबसे ज्यादा इंतजार गुरुजी का इन बच्चों की वजह से है। एक बार गुरुजी सागर और विद्या को आशीर्वाद दे दें तो इनकी जिंदगी की सारी तकलीफें जो आने वाली हैं दूर हो जाएंगी, ये हमारा विश्वास है। उनकी जबान पर सरस्वती बसती है भाभी। वाह जी, एक स्वामी सरस्वती दास को तो हम भी जानते हैं। वो बनारस के घाट पर हर शाम धुनी रमाते हैं, बड़े चमत्कारी बाबा है। हाँ, एक बार तो एक औरत पे मंत्र फेर के उसे भैंस बना दिया था। बड़े चमत्कारी है। हाँ जरूर होंगे हेमा जी। हाँ, एक चमत्कार तो हमारे सामने ही खड़ा है, उन्हीं की लीला होगी। हाँ आइए, आप लोग नीचे आइए। चलिए सब लोग हंस क्यों रहे थे? कहीं ये बुआ जी ने मुझे तो लीला नहीं कहा क्या? पर वैसे ये नाम तो अच्छा है, लीला। हर्ष, हर्ष। क्या हुआ चंद्रमुखी? ये क्या हर्ष, अब अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? स्वामी जी आते ही होंगे, सब लोग हॉल में आ चुके हैं। अब चंद्रमुखी, हमारी आने की क्या जरूरत? वैसे भी आज बदन में बड़ी हरारत हो रही है। अच्छा, वैसे अच्छा बहाना ढूंढना है बीमारी का, ताकि आपकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। कौन सी सच्चाई? आपके मेरे बारे में फीलिंग्स की सच्चाई। आपको क्या लगता है हर्ष, आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगी? नहीं, आपको मेरे साथ स्वामी जी के पास आना ही होगा। आज कुछ भी हो जाए, मुझे सच जानना है। मुझे ये जानना है कि ये हर्ष पहले वाले हर्ष क्यों नहीं। और मुझे पूरा यकीन है स्वामी जी के पास मेरे सवालों का जवाब होगा। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। नमस्कार पंडित जी। पवित्रता तो साक्षात निवास कर रही है आपके घर आंगन में। गुरुजी, हम चाहते थे कि आप एक बार जरा कुंडली। जन्म कुंडली? स्वामी जी, आप जन्म कुंडली देखेंगे? मैं अभी आती हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आपका मुखमंडल ही सब कुछ बता रहा है।
देखा, कह रहे हैं कि मेरा मुंह देखकर ही सब कुछ पता चल जाता है, है? और एक आप हो, जिंदगी भर मेरी कदर ही नहीं की। दरअसल वो तुम्हें आज पहली बार देख रहे हैं, मैं तो रोज देखता रहता हूँ ना। वो कैसे मेरी तारीफों की पुल बांधेंगे, देखना। आपका चेहरा ही बता रहा है कि आप एक अत्यंत लोभी स्त्री है। दूसरों को ठगने के अलावा आज तक आपने कुछ सोचा ही नहीं। अब समय आ गया है कि तुम सुधर जाओ, वरना वो दिन दूर नहीं जब भस्मासुर की तरह अपने यहां तो अपना सब कुछ खो बैठोगे। गुरुजी, हमारी भी कुंडली देख लीजिए ना प्लीज, वहां रखी है। शालू, लेकिन हमारी क्यों, सब कुछ तो है हमारे पास। सब कुछ तो है हमारे पास, बस बस क्या? हमें बोलने में शेम आती है, हमें एक छोटे से चीनू जी चाहिए। शालू, उसके लिए कुंडली देखने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे लिए भी माशा क्या है? मैं खा सकती हूँ। थैंक यू। गुरुजी, हमारी कुंडली देखकर हमारे और हमारे पति के बारे में कुछ बताएंगे? हम अभी हमारी कुंडली लेकर आते हैं। गुरुजी, हमारी जन्म पत्रिका तो गांव में है। कोई बात नहीं, हम आपकी पत्नी की कुंडली से ही देख लेंगे, वही से आपके बारे में भी पता चल जाएगा। आखिर पति पत्नी का भविष्य अलग थोड़े ही होता है। क्या जानना चाहती हो बेटी? हम हमारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में अकेलापन लिखा हुआ है। अपने पति से बिछड़ना, हाँ गुरुजी, ये तो बिल्कुल ठीक है। दरअसल हर्ष कुछ दिनों के लिए हमसे दूर हो गए थे, लेकिन अब वापस आ गए। लेकिन आपकी जिंदगी का खालीपन भरेगा नहीं। जब से ही वापस आए हैं कुछ बदल चुके हैं। आप दोनों में वो पहले जैसे संबंध नहीं रहे। हाँ गुरुजी, पर हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये वो हर्ष रही है, हर्ष रही है, हर्ष रही है। ये अब बदल चुका है। मगर बेटी, ये बदला हुआ हर्ष पहले वाले हर्ष से कहीं अच्छा है।
शायद तुम इसकी अच्छाइयों को नहीं देख पा रही हो। गुरुजी, जरा महुआ की कुंडली भी देखे ना। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का अकेलापन अब खत्म हो चुका है। गुरुजी, हम चाहते थे कि आप एक बार सागर की कुंडली देख लीजिए। विद्या बेटे जी, सागर की कुंडली लेके आइए। जी हम लाते हैं। सुनिए, आप चलिए ना, सब लोग स्वामी जी को अपनी कुंडलियां दिखा रहे हैं। विद्या, तुम जानती हो मैं इन बातों को नहीं मानता। फिर भी हम चाहते हैं आप एक बार उन्हें अपनी कुंडली दिखा दीजिए। ऐसा क्या है मेरे बारे में जो तुम नहीं जानती और जो तुम्हें उस कुंडली से पता चल जाएगा? क्या पता कोई बहुत बड़ा राज खुल जाए। ओह, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ऐसी बात थोड़ी है, हमें तो अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है। नहीं, हम चाहते हैं हम बस एक बार उन्हें अपनी कुंडली दिखा दीजिए। पता है, हमारे मन में एक अजीब सा डर है, हम बस उस डर को भगाना चाहते हैं। चलेंगे ना आप नीचे? तो फिर हम आपकी कुंडली लेकर आते हैं। ये लीजिए, आपकी कुंडली मिल गई। और तुम्हारी? हमारी कुंडली की क्या जरूरत है? क्यों? आपकी और हमारी कुंडली एक साथ ही तो जुड़ी हुई है। हमारा मतलब है, स्वामी जी ने कहा था ना कि पति पत्नी का भाग्य एक साथ जुड़ा होता है। हमारी तो हर सांस का, हर धड़कन का ब्यौरा यही आपकी कुंडली में मिलेगा। भगवान करे आज तक जो तकदीर में था वैसा ना हो, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है विद्या। हर एक मुसीबत तुम्हें सहनी पड़ी है। मेरी तरफ आती हुई हर एक मुसीबत को तुमने अपने रास्ते मोड़ लिया। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी हर एक खुशी तुम्हारी और तुम्हारे सारे कम मेरे। ऐसे मत बोलिए, भगवान ना करे कि कभी कोई कम आपको छुए, किसी दुख में आ भरनी पड़े, हमारी सारी खुशियां आपको मिल जाए। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। विद्या बेटे, कुंडली दिखाइए। आशीर्वाद लीजिए बेटा। अखंड सौभाग्य।
गुरुजी, क्या लिखा है इसमें? ग्रहों की दशा अमंगल का संदेश दे रही है। राहु की वक्र दृष्टि सागर की जन्म राशि पर पड़ रही है। आने वाले 3 दिन सागर के जीवन के लिए अत्यंत भारी है। इन 3 दिनों में सागर की जान भी जा सकती है। मैंने अपनी जन्म कुंडली आपको दिखाई तो नहीं, मगर सागर की कुंडली को देखकर आपने जो कहा उससे ये तो तय हो ही गया कि मेरे लिए इससे बेहतर वक्त कोई हो ही नहीं सकता। गुरुजी ने भविष्यवाणी कर दी है, तो अब इसी भविष्यवाणी की आड़ लेकर 3 दिन में सागर का काम तमाम कर दूंगी। गुरुजी, इसका कोई तो उपाय होगा ना? भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और सबसे बड़ा उपाय है प्रार्थना। और हमें यकीन है कि आपकी प्रार्थना सागर के साथ है। बाकी सब आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हम बस इतना ही कहेंगे कि सावधानी रखिए। अब हम चलते हैं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। कसम खा के अब गई, आप पूरी पूरी सावधानी बरतेंगे? नहीं, कसम खा के गई आप, कुछ भी हो जाए आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें जोखिम हो, जिससे आपको चोट पहुंचे। नहीं, अगले 3 दिनों तक आप इस घर से बाहर भी नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, याद बरतूंगा। ये क्या बचपना है विद्या, तुम्हें पता है कि मैं इन बातों को नहीं मानता। और जरूरी तो नहीं कि पंडित जी जो भी कहें, जो भी, वो सच हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं विद्या। मुझे अचानक क्या होगा? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। कोई अनहोनी नहीं होगी, कुछ भी नहीं। अनहोनी तो होकर रहेगी सागर, और वो होगी तुम्हारी मौत। अब मैं तुम्हारी इस बुरी दशा का फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन पे खतरे की गुरुजी की इस भविष्यवाणी को सच कर दूंगी।
और कोई मुझ पर उंगली तक नहीं उठा सकेगा।